तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक रिक्शाज के बारे में, और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम एक ऐसे ई रिक्शा की बात करेंगे जिसका नाम है बाहुबली। बाहुबली का मतलब होता है दोस्तों एक ताकतवर ई रिक्शा। जिस तरह से दोस्तों बाहुबली फिल्म ने अपने रिकॉर्ड तोड़े थे, ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़े थे, उसी तरह से बाहुबली जो ई रिक्शा है ये कमाई में जो है सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह का मुझे फीडबैक मिला है लोगों का जो कि इसको चलाते हैं, उनका कहना है कि सर कम मेंटेनेंस के साथ में, कम खर्चे के साथ में, कम बजट के साथ में हम एक अच्छी खासी कमाई कर पा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास में दो ई रिक्शा हैं, दो मॉडल हैं, एक SS मॉडल है, दूसरा हमारे पास में MS मॉडल है। इनकी अगर हम बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 4 से लेकर के 5 बैटरी ऑप्शंस के साथ में आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम खास तौर से बात करेंगे इसके SS मॉडल के बारे में, इसकी कीमत बताएंगे, इसकी रेंज बताएंगे, इसकी ख़रीदने में आपको कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा उसके बारे में जानकारी देंगे। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके MS मॉडल के बारे में। और दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हैं, सुझाव हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। आने वाले समय के अंदर दोस्तों हम बाहुबली के तमाम सारे वेरिएंट्स जिसके अंदर लोडर हैं, पैसेंजर व्हीकल हैं, पैसेंजर व्हीकल के और अदर ऑप्शंस हैं, उन सभी के वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज उषा की किरण, यूट्यूब चैनल उषा की किरण, और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके SS मॉडल की, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर इसके सामने का अगर हम व्यू देखें तो आप देख सकते हैं कि कितना शानदार खूबसूरत जो है इसके अंदर आपको रोड प्रेजेंस मिलने वाली है। सबसे पहले आप देखेंगे ड्राइवर की सेफ्टी का ख्याल पूरा कंपनी ने यहाँ पर रखा है। टफ एंड ग्लास का इसके अंदर जो है ये फ्रंट दिया है, विंडशील्ड दी है, जो कि आपकी धूल मिट्टी बारिश और इन सब चीज़ों से रक्षा करती है। रोड पर चलते समय कोई कंकड़ पत्थर उछट करके आ जाए तो ड्राइवर को जो है हानि ना पहुंचा सके, इसलिए यहाँ पर आपको टफ एंड ग्लास दिया है काफ़ी मजबूत। इसको क्लीन करने के लिए एक वाइपर दिया है जो कि बारिश के समय में काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। लेजर कटिंग के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहुबली की ब्रांडिंग की गई है, और यहाँ ऊपर भी आपको बाहुबली की ब्रांडिंग जो है देखने के लिए मिल जाती है। SS का दोस्तों होने से फ़ायदा ये हो जाता है कि एक तो इसका लुक काफ़ी अच्छा लगता है, दूसरा इसके अंदर कोई जंग वगैरह नहीं लगता है, और देखने में खूबसूरती के साथ में काफ़ी ड्यूरेबल भी ये चीज़ें होती हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पर आपके बजट को देखते हुए आपकी गाड़ी के अंदर कभी भी कोई मेंटेनेंस का खर्चा ना आए, जैसे कि लाइटों की सेफ्टी हो, तो आप देख सकते हैं लाइटों को भी यहाँ पर पूरा गार्ड लगा करके सेफ किया गया है। इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मजबूत है, यहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह पर आपको बाहुबली की ब्रांडिंग मिल रही है, और इसका जो ये चेसिस है ना ये भी काफ़ी मजबूत है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चेसिस के साथ साथ इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कितना शानदार मिल रहा है, यानी कि बारिश वगैरह का मौसम हो, किसी भी तरह का ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो, ब्रेकर हो, उन पे आप आसानी से निकल सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जो टायर दिए गए हैं, टायर आपको यहाँ पर काफ़ी बड़े दिए गए हैं, 12 इंची की ये टायर हैं, और काफ़ी सुंदर कैप के साथ में है, जिससे कि जब आप ई रिक्शा को लेकर के रोड पे चलते हैं ना तो आपके ई रिक्शा की तरफ जमाने की निगाह यूं ही चली जाती है। तो 3-75-12 के आपको यहाँ पर टायर दिए गए हैं, बाहुबली की ब्रांडिंग है, ग्राफिक्स दिए गए हैं जगह जगह पर, जिससे कि आपको यहाँ पर जो इसकी रोड प्रेजेंस है, साथ ही इसकी खूबसूरती जो है वो आपको काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलती है। अगर हम पीछे से देखें यहाँ पर ई रिक्शा को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको बाहुबली की ब्रांडिंग है, आपके जो टेल लैंप है इनको भी यहाँ पर सेफ किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो टेल लैंप है ना ये साधारण टेल लैंप नहीं है, बोलेरो गाड़ी के अंदर जिस तरह के टेल लैंप दिए जाते हैं, जिस तरह की क्वालिटी के, वही सारे के सारे टेल लैंप आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट हो जाएगी, नंबर प्लेट को रोशनी देने के लिए लाइट है। साथ ही दोस्तों इसका जो ये बम्पर है ना पीछे वाला, जो कि आपकी गाड़ी को सेफ बनाए रखता है, इसको भी काफ़ी मजबूत बनाया है। मैं इस पर आपको चढ़ के दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं बम्पर है ना दोस्तों, ये आपके रिक्शा की सेफ्टी करता है, साथ ही आपके पैसेंजर की सेफ्टी भी करता है। अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि इसके चारों ही तरफ आपको कर्टेन वगैरह दिए गए हैं, जो कि बारिश के मौसम में आप जब अपने पैसेंजर वगैरह को लेकर के जाएंगे ना, तो उनको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इनको निकालना, यूज करना काफ़ी आसान है, कि जो ये कर्टेन है यहाँ पर इस तरह से पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं, और ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय यहाँ से विजिबल भी रहे, तो उसके लिए यहाँ पर विंडो भी प्रदान किया है। 7 से 8 घंटे के अंदर ये जो है फुल्ली चार्ज हो जाते हैं, और एक बार आपने इनको चार्ज कर लिया ना, तो आपको लगभग अगर 5 बैटरी के साथ में इसको लेंगे तो वहाँ पर आपको लगभग 140 से लेकर के 150 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। अगर आप इसको 4 बैटरी के साथ में लेते हैं तो 120 प्लस तक की आपको माइलेज वहाँ पर मिल जाने वाली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ई रिक्शा के अंदर कि भाई ड्राइवर के साथ साथ
पैसेंजर के कंफर्ट का कंपनी ने किस तरह से ख्याल रखा है। तीन लोग इस साइड में और तीन लोग इस साइड में बैठ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर लेग स्पेस कितना अच्छा दिया गया है, यानी कि एक दूसरे के घुटने यहाँ पर टच नहीं होंगे, आप छोटा मोटा बैग भी रख सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसकी जो सीट है ना, सीट आपको एंटी स्किड यहाँ पर दी जाती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फिलहाल हमारे पास में नया ई रिक्शा है ये, इसकी देखो आप सीट जो है ये इस तरह की, यहाँ पर आपको एंटी स्किड जो है सीट प्रोवाइड की गई है, जिससे कि कभी ब्रेक्स वगैरह लगते हैं ना तो आपका पैसेंजर ना तो आगे खिसकेगा ना आगे वाला पीछे खिसकेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखा है, काफ़ी मजबूत आपको इसके अंदर ग्रैब हैंडल दिए हैं। और दूसरा दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बाहुबली चले इंडिया की गली गली, यानी कि ये एक ऐसे ई रिक्शा है जो कि आपको लास्ट माइल तक पहुँचाने का काम करते हैं। किसी भी तरह का सकड़ा रास्ता हो, गली हो, मोहल्ला हो, वहाँ पर ये जो है आसानी से चले जाते हैं। तो दोस्तों हमने बताया आपको यहाँ पर पैसेंजर का बैठने का एरिया, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ड्राइवर के लिए यहाँ पर जो है किस तरह का कंफर्ट प्रोवाइड किया है कंपनी ने। ड्राइवर के साथ में यहाँ पर दो लोग और आसानी से बैठ सकते हैं, यानी कि तीन तीन छः और तीन आगे। हालांकि पता नहीं आपके यहाँ पर शहर में RTO अलाउ करता है कि नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर इतनी कैपेसिटी आपको बैठने की मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पर सवारियों को बाहर ना निकले तो उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में ग्रिल वगैरह भी दिए गए हैं। और ड्राइवर जब गाड़ी चलाएगा तो उसका लेग स्पेस, यानी कि आपके घुटने आप देख सकते हैं बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे हैं। ड्राइवर को पीछे की साइड में देखने के लिए काफ़ी स्टाइलिश इसके अंदर ORVM दिए हैं, यानी कि राउंड शेप के अंदर आपको इसके ORVM दिए हैं बाहर की तरफ देखने के लिए। अब हम बात करते हैं ड्राइवर के कंट्रोल यूनिट की और उसके हैंडल बार की। तो सबसे पहले दोस्तों आप हैंडल बार को देखिएगा, कितनी स्लीक और कितनी सुंदर सी आपको यहाँ पर हैंडल बार प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर आपके स्विचेस हैं, ये लाइट के अपर डिपर के हो गए, ये आपका बैटरी मतलब जो पावर है लाइट का ऊपर नीचे करने का वो है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको फ्लैश लाइट भी दिया है जिससे कि आप डिपर का यूज कर सकें। यह आपका हॉर्न हो गया, टर्न इंडिकेटर हो गया, ग्रिपर काफ़ी अच्छे हैं जिसके ऊपर आप देखेंगे कि गोल्डन कलर की जो है रिंग दी है, जो कि इसके इस पोर्शन को काफ़ी एनहेंस कर रही है। अब हम बात करें इसकी चाबी की, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की चाबियाँ प्रोवाइड की जाती हैं। मैं चाबी को करता हूँ ऑन, तो आप देखेंगे कि डिस्प्ले के ऊपर आपको यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें, यानी कि बैटरी आपकी फुल चार्ज होगी तो आपके पूरे ग्रीन सिग्नल यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेड सिग्नल जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी ड्रेन होने वाली है, आपको चार्ज कर लेना चाहिए। इस साइड में आपका स्पीड है, किलोमीटर है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें दोस्तों तो लगभग 30 से लेकर के 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो है आप इनको सिटी के अंदर दौड़ा सकते हैं, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा सिटी के अंदर जो है दौड़ाना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप देखिएगा कि कितना अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर, और ड्राइवर को पीछे साइड में देखने के लिए IRVM भी दिया गया है। पीछे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नाइट के समय में जो हमारे पैसेंजर हैं उनके यहाँ पर कंफर्ट के लिए एक यहाँ पर LED लाइट भी केबिन के अंदर प्रोवाइड की गई है। तो इस तरह के फीचर्स हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है इसका पार्किंग ब्रेक, आपने ये ब्रेक लगा दिया तो आपकी गाड़ी जो है वो वहीं की वहीं जाम हो जाएगी, रुकेगी, चलेगी नहीं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्राइवर के सुकून के लिए कि पैर ड्राइवर का थक ना जाए तो यहाँ पर आपको रेस्ट पैड भी दिया है, और ये आपका हो गया ब्रेक पैडल। तो ये पीछे का ब्रेक हो गया, आगे का ब्रेक हम यहाँ से लगाएंगे। फ्रंट और रिवर्स दो तरह के आपको यहाँ पर नॉब दिया गया है, यानी कि जब आप इसको F पे कर देंगे तो आपकी गाड़ी आगे चलेगी, R पे करेंगे तो आपकी गाड़ी पीछे की साइड में चलेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके और कंफर्ट की। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आप अपना रेडियो है, FM है, ब्लूटूथ है, इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके यहाँ पर आप अपने म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। दो दो स्पीकर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको 5 बैटरी प्रोवाइड की गई हैं, आप चाहें तो इनको 4 बैटरी ऑप्शन के साथ में भी ले सकते हैं। तो ये 5 बैटरी हैं जो कि 150 एम्पियर की आपको यहाँ पर बैटरी दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका कंट्रोलर वगैरह है गाड़ी के साथ में। दोस्तों जो आप इनको ख़रीदते हैं तो आपको चार्जर वगैरह जो है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। इस साइड में भी मैं आपको इसका बैटरी जो एरिया है वो दिखा देता हूँ, मतलब कि पूरी तरह से सेफ किया गया, यानी कि यहाँ पर आपको डबल लॉक दिया गया है। एक तो ये लॉक है जिसके अंदर आप ताला लगा करके और डबल सेफ्टी कर सकते हैं, दूसरा ये चाबी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो दो बैटरी यहाँ पर हो गई हैं और दो बैटरी आपको इस साइड में भी प्रोवाइड की गई हैं। तो टोटल दोस्तों गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर 5 बैटरियाँ जो हैं प्रोवाइड की गई हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ बाहुबली ई रिक्शा के बारे में हमने आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ दे दी हैं। एक और चीज़ बता देते हैं जो कि इसको बनाती है खास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी लाइट। इसके अंदर दोस्तों आपको DRLs वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं जो कि नाइट के समय में आपकी विजिबिलिटी को और एनहेंसमेंट कर देते हैं। यहाँ पर आपको इसके अंदर जो सस्पेंशन दिया गया है ये भी काफ़ी अच्छा है, 43mm का आपको इसके अंदर फोर्क सस्पेंशन आगे की साइड में मिलेगा, और पीछे की साइड में आपको यहाँ पर कहानी पट्टे का सस्पेंशन दिया है, जिससे कि आपका और आपके पैसेंजर का यहाँ पर कम्फर्ट बना रहता है। अब हम बात करते हैं प्रदीप जी से। तो प्रदीप जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी स्वागत है। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंदौर शहर के अंदर बाहुबली ई रिक्शा की जो एजेंसी
एजेंसी है वो प्रदीप जी ने ली है, और इनकी एजेंसी जो पड़ती है अपनी फूटी कुटी चौराहे के पास में है, जिसकी डिटेलिंग हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो प्रदीप जी, अब आपने देखा कि हमने ई रिक्शा के बारे में तमाम सारी चीज़ें अपने ग्राहकों के लिए बताई हैं, अब आप इसका कोई और खास फीचर है तो उसके बारे में बताइए कि वो क्या है। सर, इसमें कार वाला सेंट्रल लॉकिंग भी लगा हुआ है इसमें। जैसे कार वाला सेंट्रल लॉकिंग। हाँ, ये क्या होता है जी? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से लॉक खुल जाएगा और यहाँ से बंद हो जाएगा। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होने वाला है हमें? बेनिफिट कैसा, जैसे कि रात में गाड़ी खड़ी कर दी अपने, हाँ, कोई चोर वगैरह आया तो ये सेंट्रल लॉकिंग चालू हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, तो दोस्तों कारों के अंदर जिस तरह के फीचर मिलते हैं ना, वो सारे फीचर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। इस तरह की आपको चाबी मिलेगी जो कि आपकी गाड़ी को पूरा सेंट्रल लॉक कर देगी। यहाँ पर आपको लॉक और अनलॉक करने के दो बटन हैं। जब आप अपनी गाड़ी का सेंट्रल लॉक कर देंगे तो आपकी गाड़ी को कोई भी हिलाएगा तो गाड़ी जो है वो आपकी अलार्म देगी। तो ऐसा ही है ना सर? ऐसा ही, गाड़ी आपकी अलार्म देगी जिससे कि आपकी सेफ्टी एनहेंस होती है। अब प्रदीप जी, आप ये भी बता दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए कि इसको अगर हम खरीदें तो हमें इसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी और इसका डाउन पेमेंट क्या रहेगा? सर, इसकी कीमत है ऑन रोड कीमत है, ऑटो इंश्योरेंस से कंप्लीट 180 की कीमत है इसकी। अच्छा, 1,80,000 रुपये। 1,80,000। और इसमें डाउन पेमेंट कितना लगेगा? इसमें डाउन पेमेंट आपको लगेगा 65,000 रुपये। 65,000 रुपये। तो दोस्तों, अगर आपके पास में 65,000 रुपये तक है तो आप डाउन पेमेंट दे करके ईजी ईएमआई के ऊपर आप इस थ्री व्हीलर को अपने घर लेके जा सकते हैं और अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के अंदर दिन दूना रात चौगना आप कमाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, इस गाड़ी के रिगार्डिंग हमने आपको तमाम सारी जानकारी दे दी है। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।